कैथल मंडी में आढ़तियों की बेमियादी हड़ताल जारी है। इससे सोमवार को यहां किसानों से गेहूं की खरीद शुरू नहीं हो पाई। इससे निपटने के लिए प्रशासन ने सीधे किसानों से गेहूं खरीदने का रास्ता निकाला है, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आढ़तियों के साथ उनका लेन देन चलता है, ऐसे में वो आढ़तियों की जगह सीधे सरकार को अपनी फसल नहीं बेचना चाहते हैं, इससे उन्हें आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पल्लेदार भी सरकारी खरीद एजेंसियों के साथ काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मजदूरी का समय पर भुगतान नहीं हो पाता है। इस खट्टर साहब को ये पता नहीं है भाई आड़ती से कितने लोगों को रोजगार मिले हुआ है। अगर आड़ती दुकानें बंद करके कम से कम 15 लाख या 20 लाख बेरोजगार हो जाएंगे तो उनको कहाँ रोजगार मिलेगा, वो बेचारे और दिहाड़ी भी नहीं कर सकते। अधिकारी क्या जवाब दे रहे हैं? अधिकारी तो बस यही कह रहे हैं जी हाँ करेंगे जी हाँ करेंगे जी। कैथल के अधिकारी सारे प्रशासन विफल रहे हैं इस गेहूं बिकाने के बारे में। किसान के पैसे से गया हुआ वो अपनी फसल लेके आ सकता है मंडी में, कि जितने भी आड़ती हैं मना कर रहे हैं। ऐसा है, अगर आड़ती सहयोग नहीं करते हैं तो खरीद एजेंसी डायरेक्ट परचेज करेगी, वो उनका माल किसान के माल को बिकने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हम तो जिम्मेदार के थ्रू आड़ती थ्रू बेचेंगे जी, क्यों आड़ती के साथ हमारा 100 लेन देन होता है जी। तो जो प्रशासन कह रहा है जो कि हम एजेंसी के द्वारा खरीद कराएंगे तो नहीं करवाना चाहते खरीद? नहीं, हम नहीं करवाना चाहते। 3800 हमारा लेन देन है जी, किसी ने किसी तरह के पैसे उठा रखे, किसी ने किसी तरह के पैसा उठा रखा है जी। तो आड़ती तो उठा नहीं रहे, फिर क्या करोगे? चलो फिर तो बाद में देखेंगे कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं होगा जी। आड़ती उठाएंगे, आज नहीं उठाएंगे, कल को उठाएंगे। कुछ ऐसा ही हाल जींद जिले में निर्वाणा इलाके में हम देख रहे हैं। वहां पर हमने बातचीत की एक किसान से, जहां पर उसने बताया कि मौसम की जो तेवर है उसको पलटता देख बहुत से किसान घबराए हुए हैं और कई किसान सुबह से आकर वापस खाली हाथ लौट गए। बात करते हैं, हमारे साथ किसान जुड़ गए हैं अशोक दनोदा। अशोक जी, ये बताइए कि आपकी फसल आप लेकर आए हैं मंडी में, नरवाना मंडी डिस्ट्रिक्ट जिंद, किस तरह की स्थिति है वहां पर? मैम, जो बयानों में कुछ है और जो मतलब है जीरो है मैम। हम आए सुबह से गेहूं लेके आए थे और यहाँ पर कोई मार्केट का कमेटी या कोई भी सदस्य नहीं था सुबह से, और अब बोझे आए मैम। और जो देखा जाए ना मैम, एक बस उन्होंने कहते दाना दाना लेंगे, अगर दाना लेना होता तो सुबह से इंतजाम करते ही। सरकार तो कह रही है वो हर एक को एक एक पर्ची देगी, सबको SMS से सूचित किया जा रहा है, सारी प्रक्रिया एकदम स्मूथ तरीके से चल रही है। नो मैम, मैं दनोदा गांव मुगी मंडी से अभी जस्ट बात कर रहा हूँ आपके साथ, और दनोदा ही मंडी में 6 गाँव लगते हैं, 6 गाँव में किसी पास SMS नहीं गया। तो ऐसे में किसानों की किस तरह की प्रतिक्रिया है? किसानों के मन में बड़ी घबराहट होगी अपनी फसल को लेकर। ये मैम, जो किसानों के बारे में, किसान इतना ज्यादा दिक्कत में है कि उसका जो अनाज है वह बाहर है और ऊपर से मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जिसके कारण उसने 6 महीने की मेहनत को पानी फिटा हुआ दिख रहा है। पहले बेमौसम ओलावृष्टि से और अभी अनाज पक चुका है, तो उसको मौसम के बाहर हो सकती है। एक बारी में कितनी तोलाई होने की बात हो रही है, कितना क्विंटल एक बारी में ले रहे हैं? मैम, तोलाई की तभी होगी ना जब ये तोलेंगे, ये ले ही नहीं रहे मैम, कोई है ही नहीं लेने वाला। यहाँ पर क्या आड़तियों का जो स्ट्राइक की बात हो रही थी उस पर कुछ बात बनी क्या? नहीं मैम, आड़तियों ने किसान से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने अपने कमीशन से मतलब है, और आगे जो घोटाले करने का मतलब घोटालों से मतलब है, जो 6 महीने का आगे सोचते हैं, और धान घोटाला होता है ना, वे आगे भी धान घोटाले के बारे में सोचते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, जमीनी हकीकत हमारे सामने लाने के लिए।